हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 10 व्रत के दो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है 100% है कि दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिद्ध करना है कि किसी व्रत के वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। यानी यदि व्रत के बाहर चाहे कोई बिंदु लिया जाए और उससे स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो आपस में दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पे हमने एक डायग्राम बनाया है, वृत्त बनाया, उसका केंद्र बिंदु है ओ। फिर इस वृत्त के बाहर हमने एक बिंदु लिया, उसको मान लिया पी, और इस पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिनका नाम हमने दिया है पी क्यू और पी आर। तो जो जो अभी हमने यहाँ पे किया उस सबको लिख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट डालेंगे दिया है और जो भी हमने किया उसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो जो हमें दिया था, वृत्त सी ओ आर पे वह बिंदु पी से, ये दिया है बिंदु पी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी क्यू व पी आर हैं, ये पी क्यू व पी आर हैं। अब हम आगे लिखेंगे जो हमको सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है कि इसकी स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं और स्पर्श रेखा हमने यहाँ माना है पी क्यू और पी आर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। इसको भी लिख लें। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर के हैं। अब आगे हमें पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करने के लिए ये जो हमने ऊपर चित्र बनाया है उस पर हमें कुछ रचना भी करनी पड़ेगी। तो इस रचना पे हम O से P को, O से Q को और O से R को आपस में मिला देंगे, यानी रेखाखंड OP, OQ और OR खींचेंगे। आइए खींचते हैं। तो ये हमने रचना की OP, OQ और OR को आपस में मिला दिया। अब हमने जो किया है उसको हम लिख लेते हैं रचना डाल के। रचना तो क्या किया है हमने, रेखाखंड ओपी ओ क्यू व ओ आर खींचा, ये हमारी रचना हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम उत्पत्ति पे। तो उत्पत्ति पे सबसे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पे पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखाएं तथा रचना से जो हमें प्राप्त हुई हैं ओ क्यू और ओ आर वो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, उनको हम यहाँ लिख लेंगे। चूंकि पी क्यू व पी आर वृत्त की स्पर्श रेखाएं व ओ क्यू तथा ओ आर वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे एक नियम भी लगेगा, प्रमेय 10.1 से। इस नियम के अनुसार जब भी कोई वृत्त पे स्पर्श रेखा खींची जाती है तो इस स्पर्श रेखा का जो ये स्पर्श बिंदु होता है, ये जो स्पर्श बिंदु है जहाँ पे टच हो रही है स्पर्श रेखा, तो जो स्पर्श बिंदु होता है इससे जो ये त्रिज्या खींची जाती है ये दोनों आपस में लंब होती हैं। ये दोनों लंब होंगी यानी 90 अंश का कोण भी बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लें ये ओ क्यू किस पे लंब होगी, पी क्यू पे। तो लिखेंगे इसीलिए ओ क्यू लंब पी क्यू एवं दूसरी ओ आर लंब है इस पी आर पर, पी आर पर। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, प्रमेय 10.1 से। फिर लंब है तो 90 अंश का कोण बन रहा है, देख लें कहाँ पे है। तो इस कोण का नाम होगा ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी साथ में ओ पी आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ओ आर पी, ये दोनों का मान है 90 अंश, बराबर हैं दोनों।
फिर इसके बाद हम लेते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लेंगे त्रिभुज। ये समकोण है तो समकोण त्रिभुज दो हुए। पहला त्रिभुज लेंगे ओ क्यू पी और दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे ओ आर पी। तो समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में अब हम देखते हैं इनमें क्या क्या चीजें हमें बराबर मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखें ओपी, ये वाली लाइन ओपी, ये ओपी जो है वो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे ओपी बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओपी बराबर ओपी। उभयनिष्ठ भुजा है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए भी है। तो यहाँ पे डाल देंगे उभयनिष्ठ भुजा। फिर अगला देखें और क्या बराबर मिल रहा है हमें, तो ये OQ बराबर होगा इस OR की। OQ बराबर होगा OR की क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो OQ बराबर OR, यहां लिख दें वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की त्रिज्याएं फिर हमें कौन दिए हैं, अभी हमने निकाला है कि OQP बराबर है ORP के। इसको भी लिख लें कि कोण OQP बराबर है ORP। इस तरीके से हमने तीनों चीजें हमें बराबर मिली, इसलिए त्रिभुज OQP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ORP के। और किस सर्वांग क्षमता से, तो ये हुई RHS सर्वांग क्षमता से। RHS सर्वांग क्षमता से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए सिद्ध। तो हमने दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो जब हमने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हमने, तो हम यहाँ देख सकते हैं इसकी जो बाकी बची हुई भुजाएं और कोण है वो भी बराबर होंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, ये दोनों PQ और PR। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो इसकी ये जो भुजा है समकोण त्रिभुज की PQ और PR वो भी आपस में बराबर होंगी। तो हमें जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे PQ बराबर हो गया PR के, जो हमें सिद्ध करना था मिल गया। और ये इसे हम लिख सकते हैं CP।